शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या। दोस्तों ये वाला गाना मिथुन दादा का जिस बार में होता है वो एक बलफ को झुला करके इस गाने को गाते हैं और पब्लिक के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बात करेंगे 19 मई 1989 में आई फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। प्रेम प्रतिज्ञा में कहानी ये दिखाई जाती कि राजा नाम का व्यक्ति अपने दोस्त चरण के साथ मुंबई में रोजी रोटी कमाने आता है। एक सब्जी की बाजार में बैठा रहता है, तभी वहाँ कल्लू दादा नाम का गुंडा आ जाता है, यानी कि पापा रंजीत। कल्लू नाम का गुंडा मिथुन दादा की बैंड बजाने वाला होता है, लेकिन मिथुन दादा उसकी बैंड बजा देते हैं। अब जब गुंडे की बैंड भैया बज गई तो सब्जी वालों ने मिथुन दादा को हफ्ता देना शुरू किया। सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, पान वाले, गुटके वाले सब मिथुन दादा को हफ्ता दे रहे हैं। इस तरह से मिथुन दादा खुद बन जाते हैं वहाँ के हफ्ता दादा। लेकिन इसी बीच मिथुन दादा का एक लड़की पर दिल आ जाता है। जब दिल भैया आ ही गया है तो क्या ही कहना, दिल आ जाता है, लेकिन लड़की उसे नापसंद करती है क्योंकि लड़की को लगता है कि भैया ये है तो गुंडा मवाली। लेकिन एक दिन भैया मिथुन दादा उस लड़की की इज्जत बचा लेते हैं और उसके पिता की मदद कर देते हैं। उसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी भी उठाते हैं और क्रिया कफन का जुगाड़ भी करते हैं। लड़की इम्प्रेस, मामला सेट। लेकिन लड़की एक साहब के घर में अपने साहब के यहाँ खाना देने जाती है। वो साहब भी लड़की के ऊपर फिदा है, वो भी शादी करना चाहते हैं, यानी कि अपने विनोद मेहरा जी। लेकिन ये मामला टांटा फिस हो जाता है, राजा के हाथ में वो लड़की लग जाती है, यानी कि माधुरी दीक्षित। कहानी यहीं पे ख़त्म। बात करेंगे इसके कलाकारों के बारे में, इसके बजट के बारे में, इसके कलेक्शन के बारे में, फिल्म को किसने निर्देशित किया, किस तमिल फिल्म पे ये आधारित थी, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वंदी चक्रम नाम की तमिल फिल्म है जिसके ऊपर ये आधारित थी। फिल्म को बापू नाम के निर्देशक ने निर्देशित किया था, जो कि साउथ के निर्देशक हैं, दिग्गज निर्देशक हैं। फिल्म में राजा का किरदार मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था, एकदम जान फूंक दी थी। वहीं पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई माधुरी दीक्षित, विनोद मेहरा और उनके दोस्त मिथुन चक्रवर्ती के दोस्त चरण के रोल में नजर आए कमाल के अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक साहब। इसके अलावा इस फिल्म में नजर आई अरुणा ईरानी, जो कि एक चोर के किरदार में थी, और कालू दादा के रोल में नजर आए पापा रंजीत। कमाल का अभिनय किया और कमाल की अदाकारी करी। बाकी अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो बप्पी लहरी ने संगीत दिया था, किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस फिल्म के अधिकांश गाने गाए। जहां तक बात करें शीशे की उम्र प्याल की, जो कि गाना बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ, इसको किशोर कुमार साहब ने गाया था। अपनी सुरीली आवाज़ में उन्होंने समा बांध दिया था। ये फिल्म खूब ब्लॉकबस्टर हुई थी। तकरीबन 1,50,00,000 के बजट में बनी फिल्म ने 6,50,00,000 रुपये का व्यवसाय किया था और टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई थी मिथुन दादा की, जो कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो देख डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।